हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं बहुत ही अच्छा वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं, क्योंकि बहुत दिन से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी और मैंने बहुत सारे ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, सब कुछ शेयर किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों को भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से वजन बढ़ा हुआ है, वो उन सब ड्रिंक की वजह से आपका वेट कम नहीं होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आप इवन डाइट छोड़ दो, एक हफ्ते तक खाना न खाओ, तब भी आपका वेट कम नहीं होने वाला है। आप कोई भी डाइट प्लान ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जिन लोगों की हॉर्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ता है, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर किसी भी हॉर्मोनल इंबैलेंस की वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ इस एक कप टी से, अगर दिन में आपने इसे एक कप ले लिया, तो आप मान नहीं सकते कि हार्मोन कितनी जल्दी अच्छे, यानी कि एक हफ्ते में आपके हार्मोन बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। जिनको भी बेबी नहीं हो रही, उनको बेबी होने की प्रॉब्लम भी दूर होगी। यानी कि अगर हार्मोन इंबैलेंस किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं, लेकिन अगर हार्मोन इंबैलेंस की वजह से आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो आपको बेबी भी होगा। अगर आपको पीरियड्स देर में आते हैं, तो आपको पीरियड्स टाइम पे आएंगे। अगर आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, तो आपको पीरियड्स होने लगेंगे और एक टाइम टेकिंग हो जाएगा। साथ ही साथ जिनको कम ब्लड की प्रॉब्लम है, जैसे जिनको कम फ्लो होता है, उनका फ्लो बहुत अच्छा होने लगेगा, स्किन बहुत ग्लो करेगी, बाल बहुत अच्छे होंगे, नेल्स बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सही करेगा। लेकिन आप कंटिन्यू उसे एक महीने तक लीजिए और उसके बाद फर्क देखिए कि आपका वेट कितने अच्छे से लॉस होता है और सारी चीजें कितनी बैलेंस होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन इंबैलेंस को पूरी तरह से बैलेंस कर देगा। 100% आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है, कुछ भी आपको मंगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज घर में अवेलेबल है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हो और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को भी मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है, उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस टी को बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है और पैन में आपको जो आपका नॉर्मल घर का कप है, आप उसमें कप भर के या डेढ़ कप आप इसमें पानी डाल दीजिए। और ये दिन में आप किसी टाइम भी टी ले सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और मैं इसमें बड़े वाले कप में आधा कप पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने घर में हिबिस्कस फ्लावर का प्लांट लगाया हुआ है, और जिसमें अभी छोटी छोटी सी कलियां निकलना स्टार्ट हुई हैं। वैसे मैं इधर उधर से हिबिस्कस सबसे मैंने बोला हुआ है, तो कोई ना कोई मुझे दे जाता है, लेकिन अब मेरे प्लांट में भी गुड़हल के फूल निकलने वाले हैं। तो अभी उसमें 6-7 कलियां निकली हुई हैं, जिसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और ये बोलते नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे प्लांट में भी हिबिस्कस फ्लावर निकलने लगे हैं, वरना इधर उधर से मुझे लेना पड़ता था। इसके बाद 1 इंच लगभग आपको इसमें दालचीनी की स्टिक डालनी है, पाउडर मत यूज करिएगा, स्टिक ही यूज करिएगा, वो आपको इजीली जनरल स्टोर पर मिल जाएगी। इसके बाद आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसे बॉईल करिए, यानी कि सारा एक्सट्रैक्ट इसमें अच्छे से आ जाए आपके टी में। और एक ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन में आपको एक ही फ्लावर यूज़ करने, इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करने हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही पीना है आपको इस टी को। आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए और आप इतनी गर्म पी सकते हैं, इसे सिप सिप करके लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। यू नो, सिनेमन का जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। हिबिस्कस फ्लावर का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दिन में किसी भी टाइम लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, किसी टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। इसका लाभ उठाइए और इसके बेनिफिट्स का भी खूब लाभ उठाइए आप। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को भी हिबिस्कस या गुड़हल का फूल नहीं मिलता है, जैसे कि मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि मुझे गुड़हल का जो फूल है वो नहीं मिल पाता है, तो आप ड्राई वाले भी मंगा सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जब से मैंने एक गुड़हल का पेड़ अपने घर में लगाया है और टचवुड मेरे घर में अब गुड़हल के फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इधर 3-4 दिन से उसमें कलियां आ गई हैं और फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में भी आपको नहीं मिलेंगे गुड़हल के फूल। गुलाब के मिल जाएंगे, गेंदे के मिल जाएंगे, लेकिन गुड़हल के नहीं मिलते हैं। इवन जब मैं विंध्याचल गई थी, तो वहां पे आपने देखा होगा, जो लोग विंध्याचल में रहते हैं या वहां पे, पूरा गुड़हल की फूलों की माला मिलती है। मैं 10 माला लेके आई थी अपने घर के लिए। और अगर आपको भी कहीं बल्क में ये चीज मिल जाए, तो आप लाइए उसको घर में, धूप में नहीं, कहीं भी ड्राई, जैसे का अंधेरा रहता हो या जिस भी जगह से आपको मतलब ना रहता हो, वहां पे पेपर फैलाइए, पेपर के ऊपर उन सब फूलों को ऐसे बिछा दीजिए, देन उसके बाद एक पेपर और डाल दीजिए, यानी ढक दीजिए, उस पर धूल मिट्टी भी ना पड़े, सारा मॉइस्चर सोख लेगा, फूल भी सूख जाएंगे, उसके एक्सट्रैक्ट भी बाहर नहीं आएंगे, सारी चीजों को बटोरी
लीजिए और एक डिब्बे में रख के अपने घर में स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और उसके बाद आप उसको टी पीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो सारे सोल्यूशन आई थिंक मैंने देने की कोशिश की है। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप फ्री होके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं sugam.omnita@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी आईडी है सुगम सनशाइन। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।